पलट जाने से ये गांव के आदमी जाने से होता है, रोड नहीं था इसीलिए, रोड रहता तो भाड़ा दे के चले जाते, बाइक से चले जाते, टेम्पो से चले जाते। सवाल, क्या नाम हो गया चाची आपका? रेखा देवी। रेखा देवी, आपका क्या नाम है? बिमला देवी। बिमला देवी, आपका? मनीषा देवी। मनीषा देवी, आप लोग 13 आदमी वो नाव पे सवार थे, कहाँ जा रहे थे? झजराहाट। नमस्कार, आप देख रहे हो मीट 27। अब भी हम उपस्थित हैं महेश्वर पंचायत के। 13 आदमी थे टोटल नाव पे, जो देखिए सामने में वही आदमी है जो नाव पर से दोबारा जान बच गई है इन लोग की। आप लोग वही नाव में सवार थे? हाँ। क्या नाम हो गया चाची आपका? रेखा देवी। रेखा देवी, आपका क्या नाम है? बिमला देवी। बिमला देवी, आपका? मनीषा देवी। मनीषा देवी, आप लोग 13 आदमी वो नाव पे सवार थे, कहाँ जा रहे थे? झजराहाट। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, उसमें से 5 आदमी, 3 बच्ची, 2 महिला डेट कर जाती है, कैसा लगा था उस टाइम पे, क्या महसूस हुआ था? वर्षा अल बिहार अलो यहाँ डोला कल के चुप चुपिया बैठ गए। मतलब कि कल एक कह सकते हैं कि कल ऐसी आंधी तूफान आई जिसके कारण महेश्वर में 5 आदमी की डेथ हो गया, और भी जो बाबा पोखर है उसमें 2 आदमी की जान चली गई। ऐसे पूरे बिहार में देखा जाए तो कल 25 आदमी का डेथ हुआ है, खास करके ये गांव में नाव पलट जाती है प्रत्येक। हटिया गलिए ने तो बरसात नहीं लागल रहे, हटिया बरसात नहीं लागल रहे, लापर चढ़ गई हमें। जब जेते जेते खूब मन है खूब ग्रान से खुनल तहाम लाह गेलै हन, तो वर्षा बहुत बहुत जोर वर्षा हवा बस एक। आपको बता दे कि सुबह 10 बजे हम लोग चले हैं ये गांव आने के लिए, रोड की स्थिति ऐसी है कि शाम के 5 बज गए। अब गांव वाले हमको बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द अब गांव खाली कर दीजिए। जाहिर सी बात है कि जो गांव आने में 10 घंटा लगा हमको, अब शाम के 5:30 बजने वाले हैं, इस गाँव से हम कैसे निकलेंगे? इसके कारण हम आपको पूरी स्थिति गाँव की नहीं दिखा पा रहे हैं। हम जल्द से जल्द ये गाँव से निकलने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मनीषा देवी। मनीषा देवी, आपके साथ वो 5 जो डेट कर गए, तो आप लोग भी नाव पलटी होगी तो पानी में डूबे होंगे, तो हेल मार के निकले? नहीं, सब पकड़ लग पकड़ लग आदमी 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 सहयोग में, नहीं तो आप लोग की भी जान चली जाती। फिर से नीतीश कुमार अपडेट करते कि आप लोग के भी परिवार को 4 लाख रुपया दे, क्या 4 लाख रुपए से आप लोग का दुख हो जाता? हमारे सबसे पहले आपके गांव का सड़क बनना चाहिए। सड़क कोई भी नेता आते हैं वादा करके चले जाते हैं, लेकिन ये महेश्वर पंचायत को कोई नहीं देखता। देश आजाद हुए 60-70 साल हो गए, लेकिन कोई आपके गांव को नहीं देखता है। आपका गांव समझिए मुसमात हो जाता, आपके गांव में कोई शादी करना नहीं चाहता, रोड नहीं है, इसके कारण आपके गाँव में लड़की सबकी एज ज्यादा हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है, ये भी मुख्य कारण है। रोड न चेतन है, अब जो नेता आएगा आपके गांव में क्या करेंगे आप लोग? रोड न लता, रोड लता मार भाई, इतना बड़ा कांड बता लीजिए तो तू नेता मुखिया रहेगा? कोई पुछारी के लिए भी नहीं है, इतना बड़ा कांड हो गया, रास्ता नहीं है तो कोई नेता कैसे आएगा? एक ही आ सकते हैं जो पप्पू यादव है, नाव पे चढ़ के या किसी भी हालत में आपके गांव आ सकते हैं। पप्पू यादव तक अगर वीडियो जा रही है तो जरूर इनके गांव में आए पुछारी लेने के लिए, क्योंकि ये गांव को अनाथ कर दिया है सारे नेता ने। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये गांव के लिए एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इनकी समस्या, जो बहरी हो गए सरकार, जो अंधी हो गए है सरकार, वो जल्द से जल्द इनकी समस्या दूर करे। अब प्रीति की क्यों मौत हो जाती है? प्रीति की मौत इस कारण हुई कि रोड का कारण, रोड ना होने के कारण नाव पे सवार होके हटिया जा रही थी, उस दौरान तूफान आने के कारण नाव पलट गई और मौत हो गई 5 लोगों की गांव में। गांव सदमे में है अभी। आप इनकी बात को सुनेंगे या किसी की भी बात को सुनेंगे तो मुख्य मांगे जो है इनकी, कि इनके गांव में आज़ादी को कितना देर साल हो गया लेकिन अभी तक इनके गांव में एक पक्की सड़क नहीं हो पाई है। यही मुख्य कारण है कि प्रत्येक वर्ष आपके गांव से नाव पलट जाती है और आप ही के गांव का आदमी मर जाता है, यही कारण है। यही कारण मेन मुख्य कारण रोड है, यहाँ का मुख्य कारण रोड है। नेता गण आते हैं वादा कर जाते हैं तो इस पे वोट आप लोग दे देते हैं? वोट दे देते हैं, नेता लोग आते हैं कहते हैं रोड बना देंगे, वोट जीत के नहीं आते। आइए प्रीति का कैसा घर है हम दिखाते हैं, कि प्रीति की माँ है और उसके बाद उनके फैमिली है, यही प्रीति का घर है जहाँ नाव पलटने से प्रीति की मौत हो जाती है। उनकी माँ है, उनकी बहनें हैं, उनकी भाभी है, उनसे हम बात कराते हैं। क्या हुआ था, क्यों इतना, थोड़ा तसल्ली कीजिए आप। बेटी रीनू क्या नाता साली कारा भाई,
बेटी के प्रीति की मम्मी है, ये प्रीति की मम्मी है। देखिए कि क्या हालात हो गई है, पूरा गांव सदमे में है। आपको सोचना चाहिए कि इन लोगों का दर्द कब बुझेगा, जो प्रत्येक वर्ष नाव पलट जाने से ये गांव के आदमी जाने से होता है। रोड नहीं था इसीलिए, रोड रहता तो भाड़ा दे के चले जाते, बाइक से चले जाते, टेम्पू से चले जाते, पवनी सामान ले गए, सब्जी हरदी मिर्चा ले गए, हमारे बेटी गई आई पवनी हमारे बाप जन्म अठमी रह सब्जी ले ओ काल का मम्मी जाय छियो फल फूल आनबो काल उपास करबो ओए हम हरदी मिर्चा ले लबो अबे चुके ला हुआ सब्जी ले लबो बेटी के लहुआ उन गेला तारे में रहिए गेला नातिन हमर रोड नहीं बनबे तब ने एत गंदे रह लोग।